नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य सीरीज़ का हमारा ये तीसरा लेक्चर है। तो आज की इस वीडियो में 28/7/2021 के डेली टारगेट्स जो आपको अचीव करने हैं यूपीएससी सीएससी 2021, जो कि 10 अक्टूबर 2021 को है। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो टाइम टेबल कुछ ऐसा रह सकता है आपका, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो जल्दी उठ गए थे उनका टाइम टेबल कुछ ऐसा होना था, रात को सोते हैं रात को उठते हैं उनके लिए टाइम टेबल ये है, और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए टाइम टेबल ये है। तो अभी रिसेंट में क्योंकि 70-day प्लान हमने रिलीज़ किया है, तो जो लोग अब तैयारी कर रहे हैं या पहले से भी कर रहे थे तो एक बार उस वीडियो को देख लें। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन और आई बटन में है, इसके साथ साथ वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी लगा दी गई है। तो आज के वीकली टारगेट, मतलब इस पूरे वीक के टारगेट में श्रीराम आईएएस हम कवर करेंगे, एनसीईआरटी की एंशियंट इंडिया हम कवर करेंगे, और आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया पूरी पूरी हम कवर करेंगे। तो आज है 28 जुलाई 2021। तो आज के टारगेट्स आप लोगों के स्क्रीन पर हैं। देखिए जो शिफ्ट वन है, उस शिफ्ट वन में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे प्री हिस्टोरिक कल्चर, पेस्टोरल फार्मिंग, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सोसाइटी, प्री मॉडर्न पीरियड। ये जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपको डिपेक्ट किए गए हैं, उस टॉपिक का सब कैटेगराइजेशन हम लोगों ने किया हुआ है, तो वो भी आप लोग देख लीजिए, और हो सके तो पेन से नोट डाउन कीजिए। जैसे जब प्री हिस्टोरिक कल्चर की बात आएगी तो पीरियडाइजेशन कैसे हुआ प्री हिस्टोरिक एज का, तो उसमें पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मीजोलिथिक एज कैसे आई, मतलब स्टोन एज में, फिर चैल्कोलिथिक एज क्या है, आयरन एज क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है। तो इस तरीके से टॉपिकों को सब डिवाइड करते हुए पढ़ना है एनसीईआरटी से। तो आगे बात करते हैं कहाँ से पढ़ना है। अब देखिए पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक वाला जो मैं बात कर रहा था, तो इसके लिए ओल्ड एनसीईआरटी के 5 चैप्टर नंबर 5 और 6 आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए 11 की एनसीईआरटी का 7 चैप्टर, तो 5, 6, 7 चैप्टर और 8th चैप्टर आपको पढ़ना है अर्ली वैदिक एज के लिए। 9 और 25th चैप्टर आपको पढ़ना है लेटर वैदिक एज के लिए। महाजनपद के लिए आपको पढ़ना है 10th, 11th, 12th, 13, और मौर्यन एम्पायर के लिए आपको पढ़ना है क्लास 11 के 14-15 चैप्टर। इसके अलावा पोस्ट मॉडर्न के लिए आपको पढ़नी है ओल्ड एनसीईआरटी की 16, 17, 18 और 19 चैप्टर। तो कुल मिला के आज का जो टारगेट है आपको क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी, इसको आपको पढ़ना है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की, जिसमें आप लोग कल्चर पढ़ेंगे। कल्चर में आपको विजुअल आर्ट पूरा करना है, आर्किटेक्चर पूरा करना है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर और इंडियन पेंटिंग। तो ये सभी आपको नितिन सिंघानिया की ऑफिशियल बुक नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर से फॉलो करना है, नहीं तो नितिन सिंघानिया के नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर दिए गए हैं, आप उनको देख लीजिए। तो ये इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए आपको क्या फॉलो करना है, नितिन सिंघानिया का 1st चैप्टर ओल्ड एनसीईआरटी एंशिएंट और मेडिवल इंडिया की, और इसके अलावा हिंदू का द मेट्रो प्लस वाला जो पेजेस हैं तो उस पर भी कई आर्टिकल्स आते रहते हैं। अगर आपने नोट्स बनाए हुए तो वेल एंड गुड, नहीं तो शाम को 6 बजे तक हम आरंभ सीरीज़ ऑफ आर्ट एंड कल्चर रिलीज़ कर देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। इसके अलावा पेंटिंग्स की जब हम बात करते हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए आप ओल्ड और मेडिवल एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं, और पूरा पूरा एनसीईआरटी के अलावा नितिन सिंघानिया के जो नोट्स शेयर कर रहे हैं तो उससे ये पूरा पूरा हो जाएगा, तो आप उसको पूरा कर लीजिए। इसके अलावा पॉटरी छोटा सा टॉपिक है, म्यूज़िक इन इंडिया, डांस इन इंडिया, मार्शल आर्ट और थिएटर, ये 4 टॉपिक भी आज आपको कर लेने हैं क्योंकि ये बेहद ही छोटे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा इकोनॉमी जो आपकी शिफ्ट 3 में है उसमें आपको क्या क्या करना है, उसमें आपको प्लानिंग रिलेटेड इशूज़, उसके सब टॉपिक्स जैसे प्री हिस्टोरिक प्री इकोनॉमी, मतलब इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले प्री इकोनॉमिक एज में कैसा, मतलब वो था प्री इंडिपेंडेंस एज से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, इकोनॉमी इंडिया के एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी होगी, चैलेंजेस, उसके फीचर्स वगैरह, ये सब चीज़ें। इसके अलावा रिसोर्स मोबिलाइजेशन आज के 2 टॉपिक रहेंगे। अब इनको आपको करना कहाँ से है, इनको आपको करना है क्लास 11th के एनसीईआरटी चैप्टर 2 और 3, शंकर आईएएस का चैप्टर नंबर 2, और इकोनॉमिक्स का शंकर आईएएस का चैप्टर नंबर 3। तो ये जो बेसिकली हमने किया वो सबसे पहले प्लानिंग किया, ठीक है। प्लानिंग के लिए जो है ये आपने स्पेसिफिकली रेफ़र कर लिया, मगर अब सेकंड है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। जब रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात हो तो एनसीईआरटी आप रेफ़र कीजिएगा,
और इसके सब टॉपिक्स को स्पेसिफिकली प्रिपेयर कीजिएगा, जो टॉपिक ना मिले उन्हें गूगल कीजिएगा, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आपको नोट्स इसके शेयर कर दें। टेलीग्राम ग्रुप पे इसलिए आप लोग जुड़ जाइएगा। अब बात करते हैं सी सेट की, तो 1 घंटा सी सेट को देना है जिसमें आपको 250 कैलेंडर पढ़ना है। फिर आ गया करंट अफेयर्स का आरंभ सीरीज़, 30 से 40 मिनट की ये रहेगी। समीक्षा सीरीज़ आज शायद हम रिलीज़ कर देंगे। पॉलिटी की जो डिसकंटिन्यूस सीरीज़ थी वो भी आज से कंटिन्यू हो जाएगी, तो आप लोग निश्चिंत रहें। रोज़ाना एक वीडियो आरंभ सीरीज़ की भी आपके लिए आती रहेगी, समीक्षा सीरीज़ की आती रहेगी, मैप बेस्ड क्वेश्चंस की आती रहेगी। तो अल्टीमेटली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो जो लोग प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे 1 9 कम है, तो ये है 4 9 4 × 9 4 9 4 3 6 0, जो नंबर आगे हम लोगों ने सही किए हुए हैं। तो इन नंबर पे आप हमें कॉल कर कर हमारे कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मीन्स आंसर राइटिंग हो, MCQ हो, या फिर ये करंट अफेयर्स का जो हमारा आरंभ का बैच चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री कोर्स है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।